देखिए, आपका विक्रय पढ़ाया जा रहा था और सेक्शन आपका जो टीपीए में चल रहा था वह 54 चल रहा था। एक दो लोग क्वेश्चन भी पूछे हैं, उसको बता दिया जाए। एक दो पॉइंट आपका छूट गया था इसमें। देखिए, आपका फिर एक बार देखिए, विक्रय की परिभाषा में बताया था कि विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, और कीमत या तो दी जा चुकी है या देने का वचन दिया गया है या उसका कोई भाग दिया गया है और कुछ भाग भविष्य में देने का वचन दिया गया है। फिर आपका विक्रय कैसे किया जाता है, यानी कि विक्रय का ढंग ही थोड़ा लोगों को समस्या थी। फिर एक बार देखिए, अगर आपका मूर्त अचल संपत्ति है यानी कि कॉर्पोरल है और उसकी कीमत 100 रुपया या उससे अधिक की है तो उस विक्रय सदैव लिखित में होगा और पंजीकृत होगा। ये पॉइंट समझना है, यानी कि आपका रिटेन में भी होगा और रजिस्टर्ड भी होना आवश्यक। अगर मूर्त अचल संपत्ति है और कीमत 100 रुपया से कम है तो विक्रय मौखिक भी हो सकता है या लिखित और रजिस्ट्रीकृत भी, दोनों ऑप्शन पक्षकार के पास मौजूद है। तो एक क्वेश्चन आपका बना था कि अचल संपत्ति का विक्रय हो सकता है, मौखिक लिखित दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आपको दोनों मारना है। क्योंकि अगर मूर्त संपत्ति है और कीमत 100 रुपया से कम है तो वह उसका विक्रय मौखिक या ओरल भी हो सकता है। अब एक लोग पूछ रहे थे, वो कल छूट गया थे, यही बात है कि अगर ओरल ट्रांसफर होता है तो वह ट्रांसफर कैसे होगा। तो जिस प्रकार बेची गई, जिस प्रकार कब्जे का परिदान किया जाता है, उसी प्रकार संपत्ति का परिदान या डिलीवरी करके आप, यानी कि कब्जा देकर आपका विक्रय किया जाएगा। यानी कि आपका संपत्ति के परिदान द्वारा आपका विक्रय किया जा सकेगा अगर मूल्य 100 रुपया से कम है और संपत्ति क्या है आपका, कह सकते हैं कि अचल है और मूर्त है। लेकिन अगर अमूर्त संपत्ति हो या उत्तरभोग का अंतरण करना हो तो चाहे कीमत कुछ भी क्यों न हो, सदैव वह अंतरण लिखित में होना चाहिए और रजिस्टर्ड। आपका यही 2 पॉइंट छूटा था। इसके बाद विक्रय का आपका बताया गया था कि विक्रय का करार क्या है। तो विक्रय का करार मतलब ये हुआ कि भविष्य में हम इन शर्तों पर आपको विक्रय करेंगे, तो विक्रय के करार से आपका संपत्ति पर न तो कोई हित सृजित होता है और न ही कोई भार। ये आपका धारा 54 समाप्त हो गई। अब आइए 55 पूछा जाता है। 55 में ज़्यादातर जो क्वेश्चन बना है वह आपका क्वेश्चन बना है, कह सकते हैं कि आपका पहला जो क्वेश्चन पिछली बार भी बना था, क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व किस धारा में दिए गए हैं, तो आपका क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व पूछे, यानी कि आपका राइट और लाइबिलिटी पूछे, तो आपका सेक्शन 55 मारना है। ये पिछली बार केवल आपका सेक्शन वाइज पूछा था। वैसे एक बार इसमें एमपी की जो मॉडल है वह आपका, कह सकते हैं कि इसमें जो अंदर से भी कभी काल पूछा गया है, तो विक्रेता आबद्ध है यानी कि विक्रेता बाध्य है, तो विक्रेता का कर्तव्य क्या है, तो क्लॉज 1 में दिया गया है, ये पहला याद रखिए। फिर आपका विक्रेता हकदार है, तो यानी कि विक्रेता का कर्तव्य पूछे, तो थोड़ा लिख लीजिए बैरक पर, विक्रेता का कर्तव्य 55 के क्लॉज 1 में है, या अलग से भी लिख सकते हैं विक्रेता का कर्तव्य। क्लॉज वाइज एक बार क्वेश्चन आया है, वैसे क्लॉज वाइज कम चांस है। विक्रेता का कर्तव्य धारा 55 के क्लॉज 1 में है। इसके बाद आपका विक्रेता का अधिकार, आपका
धारा 55 के क्लाज 4 में है, उसको अंडरलाइन करिए। कर्तव्य 1 में और अधिकार मुख्य रूप से किस में है? 4 में है। फिर क्रेता का अधिकार आपका दिया गया है 6 में और क्रेता का कर्तव्य 5 में, कम से कम ये लिख लीजिए। खरीदार का कर्तव्य क्लाज 5 में दिया गया है और खरीदार का अधिकार दिया गया है धारा 55 के क्लाज 6 में। ऐसा क्वेश्चन एक दो बार एमपी में बनाया है। इसके बाद आइए 56 से आपका क्वेश्चन बनता है, सेक्शन 56 से क्वेश्चन बनता है आपका, पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन यानी कि मार्शलिंग बाई सबसिक्वेंट परचेजर, यानी कि जो क्वेश्चन आपका बना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग का सिद्धांत आपका किन किन धाराओं में समाहित है, पहले तो ये क्वेश्चन आपका बना है। तो अगर आपका क्वेश्चन ऐसा बने कि डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग का सिद्धांत या क्रमबंधन का सिद्धांत किन किन धाराओं में समाहित हैं, तो टीपीए के आपका 2 धाराओं में समाहित हैं और दोनों धाराएं आप पहले लिख लीजिए, उसी पर आपको ऐड कर लेना है, एक 56 और दूसरा 81। ये याद करना पड़ेगा, क्रमबंधन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग का सिद्धांत आपका किन किन धाराओं में है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, तो 56 में भी है और 81 में भी है, उसी बेरक पर लिखिए। अगर संपत्ति का विक्रय होता है तो 56 लागू होगी और संपत्ति का मार्गेज होता है तो 81 लागू होगी, यानी कि जो दोनों धाराएं हैं वह अलग अलग दृष्टियों से बनाई गई हैं। फिर याद रखिए, अगर प्रॉपर्टी का सेल होता है तो डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग का सिद्धांत लागू होगा आपका 56 वाला, और अगर संपत्ति का मार्गेज किया जाता है तो ये सिद्धांत लागू होगा 81 वाला। अब अभी हम बता रहे हैं दोनों का सिद्धांत। पहले तो केस पूछा जाता है कि क्रमबंधन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग या पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया, तो नोट्स में केस हैं भी, एल्ड्रिच बनाम कूपर के बाद में जस्टिस इल्डन ने प्रतिपादित किया, यानी कि एल्ड्रिच बनाम कूपर का याद रखना है केस, एल्ड्रिच वर्सेज कूपर और जस्टिस इल्डन याद रखना है, ये 1804 का केस है यानी कि 1804 का, ये केस पूछा जा सकता है। तो क्रमबंधन आपका होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए। ए के पास ये मकान है, मान लीजिए ए के पास 2 मकान है और इन दोनों मकानों को इसने मार्गेज किया है बी के पास, यानी कि इस पर 5 लाख का लोन लिया है और इस मकान पर भी कितने का, 5 लाख रुपया उधार लिया है, और किसके पास ये मार्गेज किया गया है मकान, बी के पास, यानी कि जिस व्यक्ति के पास बंधक दोनों मकान रखा गया है वह एक ही व्यक्ति है। तत्पश्चात होता क्या है कि ए इस दूसरे, हाँ ये आपका संपत्ति नंबर 1 बना लीजिए और ये संपत्ति नंबर कौन सा, 2, यानी कि आस्ती नंबर 1 पहला हो गया आपका और संपत्ति नंबर 2 कौन हो गई, ये दूसरी। अब ए करता क्या है कि इस संपत्ति नंबर 2 को सी को बेच देता है, तो अगर बेचता है तो कौन सी धारा का सिद्धांत लागू होगा, 56, और सी के पास अगर मार्गेज करता है, बंधक रखता है, तो कौन सी धारा का सिद्धांत लागू होगा, 81। अब देखिए इसी में आपका बेचवाया ही जाए, सी को बेच देता है तो जो पाश्चिक क्रेता हुआ वह अंतरिती हुआ, वह कौन हुआ इस उदाहरण में, सी। अब देखिए यही आपका
बी को ये अधिकार है कि वह पहली संपत्ति से भी अपना पैसा वसूल ले, दूसरी से भी वसूल ले और दोनों से वसूल ले। अब आप कहेंगे कि सी भी खरीदा है तो इसे भी कुछ मिलना चाहिए, भले ही बाद में खरीदा हो, तो सी का केवल ये अधिकार है कि सी बी से डिमांड कर सकता है कि तुम पूरा अपना 10 लाख पहले किस संपत्ति से वसूलो बेचवा कर, पहली संपत्ति से। अगर पहली संपत्ति से तुम्हारा पूरा 10 लाख वसूल नहीं होता तब बाद में जो हम खरीदे हैं वह संपत्ति बेचवाना, इसी को कहा जाता है क्रम बंधन। यानी कि भाई हम भी खरीदे हैं, हम भी मार्गेज रखे हैं, आपके पास 2 संपत्तियां हैं, तो आप हम जो नहीं खरीदे हैं पहले उस संपत्ति से आप पैसा वसूलिए। हाँ, आपका पैसा कम पड़ रहा है तो जो संपत्ति मैं खरीदा हूँ वह बेचवा कर आप वसूलिए, लेकिन सबसे पहले आप किससे वसूलिए, पहली प्रॉपर्टी से। इसी को क्रमबंधन का क्या कहते हैं सिद्धांत। ये सिद्धांत एल्ड्रिच बनाम कूपर के बाद में प्रतिपादित किया गया और जस्टिस इल्डेन ने बताया। अब कहीं समस्या हो तो आप बताइए, नहीं तो भाई आगे सेक्शन बढ़ा जाए, क्योंकि आपका डॉक्ट्रिन आप ही एक मार्शलिंग का सिद्धांत ही यही है कि आपके पास 2 प्रॉपर्टी है तो हमारे पास 1 है, तो आप हमारी वाली अभी छोड़ दीजिए और जो आपके पास है उससे पैसा वसूलिए। नहीं पैसा पूरा होता है तो जो मैं खरीदा हूँ उससे आकर क्या करिएगा, बाद में वसूलिएगा, लेकिन पहले नहीं। ये नहीं कह सकता कि इससे वसूलिए ही ना, बस ये कह सकता कि अब कब वसूलिएगा, पहले नहीं बल्कि कब वसूलिएगा, बाद में। इसके बाद एक सेक्शन और बचा है इसमें विक्रय में, देखा जाए आपका आपका 57 विलंगमों और उनसे मुक्त विक्रय के लिए न्यायालय द्वारा उपबंध। तो फिर एक बार आप देखिए सेक्शन 2 को उठाइएगा, अध्याय 2 की हेडिंग उठाइएगा तब सही रहेगा। सेक्शन 2 का पहले उठाइए, टीपीए की धारा 2 में ये कहा गया है कि इस कानून के तहत जो भी अंतरण होगा वह पक्षकारों के कार्य द्वारा होगा, लेकिन वहां 2 अपवाद दिए गए हैं, एक धारा 57 और दूसरा अध्याय 4, जहां की कुछ दशाओं में न्यायालय के आदेश द्वारा भी संपत्ति का विक्रय हो सकेगा। तो 57 धारा 2 के भी अपवाद हैं। अब अध्याय 2 की हेडिंग थोड़ा गौर करिए, अध्याय 2 जो धारा 5 से लेकर 53A तक था उसकी हेडिंग थोड़ा गौर करिए। अध्याय 2 का भी अपवाद है, क्योंकि अध्याय 2 में हेडिंग दी गई है कि पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में, तो इस हेडिंग का अपवाद 2 हो गया, एक धारा 57 हो गया और दूसरा अध्याय 4। तो 57 में आखिर है क्या, अब ये देखा जाए। न्यायालय कह सकते हैं कि जो संपत्ति पर भार है उस भार को संपत्ति से मुक्त करके कुछ दशाओं में संपत्ति को विक्रय का आदेश दे सकता है, इसी को कहा जाता है जो विलंगम है, जो संपत्ति पर दायित्व है, जो संपत्ति पर लोन है, जो संपत्ति पर पैसा ऊपर उसके भार हैं, उससे संपत्ति को मुक्त करते हुए न्यायालय कुछ दशाओं में चाहे तो विक्रय का आदेश दे सकता है। ये आपका किस धारा में है, 57। बहुत अंदर से कभी नहीं पूछा गया, अब तक के इतिहास में ये पूछा नहीं गया है भाई आपका। मैं बता दूं, विलंगम माने भार होता है, वहीं कुछ बोझ कहिए, यानी कि जैसे कि बिजली का बिल बकाया है मकान पर, तो वह मकान पर विलंगम या चार्ज कहलाता है, लिख लीजिए भार। दायित्व, नहीं नहीं विलंगम वो नहीं होता भाई, विलंगम माने भार। जैसे फिर एक जैसे आप मकान एक आदमी का है, बिजली का बिल 2 लाख बकाया है,
तो उसी मकान पर वह बिलंगम या भार हो जाएगा, यानी कि उसी मकान से वसूला जाएगा 2 लाख, ये बिलंगम कहलाता है। बेची गई संपत्ति नहीं, वो अंतरण होता है बेचने पर। इसके बाद आइए 57, कभी पूछा नहीं गया है। अब आ जाइए गिफ्ट का पैरा निकालिए भाई, आपका निकाल लीजिए अध्याय 7। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है। इसका ये है कि न्यायालय यदि चाहें तो संपत्ति को भार मुक्त करके बेचने का आदेश दे सकता है। जैसे 2 लाख रुपया बिजली का बकाया बिल है तो 2 लाख हटा दे आपका, और संपत्ति को बेचने का क्या दे दे आदेश। यही, और कोई मतलब नहीं, कभी ये पूछा नहीं जाता, कम इस पर ध्यान दीजिए। हाँ 56 पूछा जाता है मार्शलिंग, उस पर विशेष ध्यान। आइए दान निकाल लीजिए चैप्टर आपका, यानी कि विनिमय भी हो गया चैप्टर आपका, विक्रय भी हो गया। अब आपका हिबा या दान, या इसको कहते हैं उपहार या भेंट। जब भी आप दान पढ़िए तो सबसे पहले संविदा अधिनियम की धारा 25 को उठाना है, यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा आपका कह सकते हैं कि जो 25 का स्पष्टीकरण 1 है, सबसे पहले वहां से आप उठाएंगे। देखिए क्या कहा गया है, धारा 25 पहले देखिए क्या कहा गया है, तब आपका दान बताया जाए। सेक्शन आपका 25 में ये कहा गया है, संविदा अधिनियम की धारा, कि न्यूडम पैक्टम, पिछली बार भी आपका क्वेश्चन बना था, न्यूडम पैक्टम का मतलब हुआ नंगा करार। नंगा करार का मतलब ये हुआ कि जिस करार में प्रतिफल या कंसीडरेशन न हो, यानी कि प्रतिफल रहित करार या प्रतिफल विहीन करार। ये पिछली बार क्वेश्चन आया है कि न्यूडम पैक्टम का मतलब पूछा गया था, तो मतलब होता है प्रतिफल विहीन करार। तो धारा भी बिहार में भी आया था कि प्रतिफल रहित संविदा क्या होती है, तो बिहार करार और संविदा में अंतर कम मानता है, लेकिन यूपी आयोग शब्दों पर ध्यान देता है। तो प्रतिफल रहित संविदा शून्य होती है कि करार शून्य होता है, करार शून्य होता है। अब चूंकि बिहार आयोग के पास जो ऑप्शन दिया था उसमें कोई मैंने आपका सटीक ही नहीं था, और आपका संविदा लिख दिया गया था, तो आपका प्रतिफल रहित संविदा वास्तव में आपका ये गलत शब्द है, लेकिन ऑप्शन के अभाव में ये संविदा ही शून्य माना था बिहार ने। लेकिन यूपी ऐसी गलती नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन शून्य होगा, प्रतिफल रहित करार शून्य होता है, प्रतिफल रहित संविदा शून्य होती है, दोनों इनमें से कोई नहीं, ये यूपी का मॉडल है। तो संविदा न शून्य कराइएगा, करार संविदा तक पहुंचेगा ही नहीं। बिहार वाली गलती नहीं यूपी दोहराएगा, आपका भी पूछा गया था बिहार में ये क्वेश्चन। तो कौन सी धारा में जिस करार में मूल्य न हो वह करार शून्य होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो दान है, जो हिबा है, जो उपहार है, या जो गिफ्ट कहिए हैं, यह इसका एक्सेप्शन है। गिफ्ट में एक पक्षकार स्वामित्व का ट्रांसफर करता है, लेकिन एवज में दूसरे पक्षकार से कुछ लेता ही नहीं, न तो पैसा लेता है न संपत्ति लेता है। अगर पैसा ले लेता तो विक्रय हो जाता, संपत्ति के बदले संपत्ति ले लेता तो आपका विनिमय हो जाता, और फ्री में दे दिया, एवज में कुछ लिया नहीं, तो वह क्या हो जाएगा, दान। यही आपको समझना है। जो दान का चैप्टर है आपका वह अध्याय 7 यहाँ दिया गया है, धारा 122 से लेकर 129 तक। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि दान की कॉन्ट्रैक्ट की धारा 25 का क्या है अपवाद, यानी कि प्रतिफल न होते हुए भी यह करार वैध होगा, इसमें कोई शक नहीं है। याद रखिए मूल्य की आवश्यकता नहीं।
दूसरा आपको ये देखना है दान में आपका, फिर धारा दो कवर करना है और 129 कवर करना है, यानी कि दो धाराएं पहले एक साथ कंसेप्ट बनाइए, धारा दो और 129। थोड़ा सतर्क रहिएगा भाई। सेक्शन टू क्या बताता है देखिए, क्वेश्चन वहां से भी बनता है। धारा दो सेविंग क्लाज है, व्यावृत्ति खंड है। सेक्शन टू में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि अगर टीपीए के अध्याय दो की कोई बात, अध्याय दो का मतलब धारा 5 से लेकर कहाँ तक, 53A तक की कोई बात दी गई है और पर्सनल मुस्लिम ला है, व्यक्तिगत मुस्लिम ला है और दोनों में टकराव होता है, विसंगत पैदा होती है, विरोधाभास होता है, तो वहाँ पर्सनल मुस्लिम ला प्रिवेल करेगा, यानी कि मुस्लिम ला लागू होगा। टीपीए के ये 5 से 53A तक के प्रावधान लागू नहीं होंगे, लेकिन कब, जब मुस्लिम ला और इस अध्याय में क्या हो, विरोधाभास। अगर विरोधाभास नहीं है तो 5 से लेकर 53A तक के प्रावधान आपका मुस्लिमों पर भी लागू होंगे। एक क्वेश्चन आपका बना है, वह जो यूपीजे में 35 पर बना है क्वेश्चन, फिर एक बार देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब हैं और यही सब क्वेश्चन आपको जानने हैं, जो एक जगह मिलेगा नहीं, आप किताब पढ़ेंगे, बेरेक पढ़ेंगे, लेकिन एक जगह आपका जल्दी नहीं मिलेगा। तो इस पर एक क्वेश्चन बना था, वह क्वेश्चन जो यूपीजे में बना है वह टीपीए की धारा 35 पर बना है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन या अंतस चेतना का सिद्धांत, आपका जो दिया गया था टेस्ट में, या चुनाव का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत या निर्वाचन का सिद्धांत। इंग्लिश वर्जन याद रखना है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, इस धारा में है 35 में। तो जो क्वेश्चन बना था वह ये बना था कि चयन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लागू होता है हिंदुओं पर, मुस्लिमों पर, बौद्धों पर, उपर्युक्त सभी पर। तो आपका जो टीपीए की धारा 35 है, क्योंकि वह मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोधी नहीं है, अतः 35 सभी धर्मावलंबियों पर क्या होती है, लागू। यानी कि आपका धारा 2 पढ़ना है, जहाँ की मुस्लिम विधि, पर्सनल विधि और अध्याय 2 में टकराव होने पर अगर आपका अंतरणकर्ता मुस्लिम है तो आपका कौन कानून लागू होगा, आपका उसका पर्सनल लॉ लागू होगा, अध्याय 2 नहीं, आज भी मैं बता दूं। दूसरा आपका 129 पहले निकाल लीजिए, यहाँ भी हिबा में यानी कि दान के मामले में मुस्लिम विधि को प्रश्रय दिया गया है, 129 निकाल लेना है। आसन मरण दान और मोहम्मदन विधि की व्यावृत्ति, इसका मतलब ये हुआ कि आसन मरण दान, तो देखिए पहले भेरक 129, इस अध्याय की किसी भी बात का संबंध चल संपत्ति के, यानी कि अचल नहीं बल्कि क्या है, चल संपत्ति के उन दानों में नहीं है जो मृत को आसन मान कर दिए गए हैं और न वह मोहम्मदन विधि के किसी नियम पर प्रभाव डालने वाली समझी जाएगी। इसको हम कहते हैं मृत्युशैया का दान, यानी कि आपका मृत्यु
सैया का दान या आसन मरण दान। तो आसन मरण दान होता क्या है, मुस्लिम वेद का पहले नियम जानिए। अगर कोई मुस्लिम अब मरने ही वाला है, यानी कि अब उसकी अंत नजदीक आ गया है, उस समय वह किसी संपत्ति का दान करता है तो वह दान न मानकर वसीयत या विल माना जाता है। इसे मृत्युशैया का दान कहते हैं और इस मामले में दान के नियम लागू न होकर वसीयत के नियम लागू होते हैं। और सामान्यतः कोई भी मुस्लिम अपनी पूरी संपत्ति का 1/3 हिस्सा से अधिक हिस्सा सामान्यतः वसीयत नहीं कर सकता, तो आसन्न मरण दान मृत्युशैया का दान नहीं माना जाता। क्या माना जाता है? आपका वसीयत। और कितने का नियम लागू होता है? 1/3 का। दूसरा आपका मुस्लिम विध के दान के नियम ये देखना है कि मुस्लिम विध के दान का जो क्रोड है वह कब्जे का परिदान है, यानी कि केवल घोषणा मात्र से काम नहीं चलेगा, कब्जे का परिदान क्रोड है, आवश्यक है। तो आपका बिहार में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन मुस्लिम विध में कि दान का क्रोड क्या है, तो कब्जे का परिदान। एक घोषणा कर दिया कि हम भी को अपना मकान दान देते हैं, केवल घोषणा नहीं बल्कि घोषणा के अनुसरण में कब्जे का दिया जाना क्या है, आवश्यक आपका, यानी कि उसमें मूसा का दान तमाम नियम है, उतना हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। बस ये हम बता रहे हैं कि जो दान का हम चैप्टर पढ़ाएंगे, अगर कोई मुस्लिम है मृत्युशैया पर से दान कर रहा है तो 122 से 128 तक के नियम विफल मार जाएंगे, यानी कि उसमें लागू नहीं होंगे। ये कौन सी धारा बताती है? 129। स्पष्ट का इस अध्याय की कोई बात इस मामले में लागू नहीं होगी। अब आइए देखा जाए आपका दान में। कह सकते हैं कि दान के लिए एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए और कई आपका जो सेक्शन है, सेक्शन तो भाई याद रखिए, केस पहले याद रखिए, एलकर्ड बनाम स्किनर का केस है, ये केस आपका बहुत बार पूछा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में भी मैं बताया था धारा 16 में असम्यक असर में कि एलकर्ड बनाम स्किनर 3-4 बार पूछा गया, उसको लिख लीजिए बैरेक पर, तो रिपीट करे तो गलत ना हो। एलकर्ड बनाम स्किनर का केस ये आपका दान से भी रिलेटेड है और असम्यक असर से भी, यानी कि संविदा अधिनियम की धारा 16 में परसों कल बताया था उससे रिलेटेड है, और धारा टीपीए की धारा 122 से रिलेटेड है। भाई अच्छे से तैयार रखिए, कौन सा केस? एलकर्ड बनाम स्किनर। हाँ, अगर आपका पूछे कि किससे रिलेटेड है तो फ्री कंसेंट से, यानी कि स्वतंत्र सम्मत से। भाई अगर हल्का सा अंदर जाकर पूछे कि किससे रिलेटेड है तो फ्री कंसेंट यानी कि स्वतंत्र सम्मत। जैसे हम गुरु चेला का बताएं कि गुरु ने चेला की इच्छा को दबाया और पूरी संपत्ति दान में ले ली, तो ऐसी दशा में ये तो धारा 16 में असम्यक असर भी हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, और टीपीए में दान में लिए हैं, तो दान जबरदस्ती दिया जाता है कि स्वेच्छा से, तो यही केस है कि आपका दान स्वतंत्र सम्मत से दिया जाएगा। अब पहले दान के आवश्यक तत्व देखा जाए, क्योंकि कोरिलेशन कॉन्ट्रैक्ट से हो गया है आपका। देखिए आवश्यक तत्व में कई धाराएं तो यहीं निपट जाएंगी, यानी कि 3-4 धाराएं आपका इसी आवश्यक तत्व में ही आपका देख लेना है। दान किसी वर्तमान चल या अचल संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा, यानी कि इसका मतलब दान किस संपत्ति का किया जा सकता है, पहला क्वेश्चन यहीं बनता है। चल का 122 शुरू हुई है भाई,
सेक्शन याद रखे 122 में हिबा या गिफ्ट या दान की क्या दी गई है परिभाषा। तो बताइए पहला क्वेश्चन यही बनता है कि दान किसका हो सकता है 122 के तहत, चल संपत्ति का कि अचल का कि दोनों का। तो जब इसको पढ़िएगा तो टीपीए की धारा 3 पढ़िए, देखिए कोरिलेट करके पढ़ना है। किसी वर्तमान चल या अचल, तो जब आप वर्तमान पढ़ेंगे तो धारा 124 तुरंत समाप्त हो जाएगी। खूब पूछा जाता है कि जिस संपत्ति का आप दान देंगे वह वर्तमान होनी चाहिए, अस्तित्व में होनी चाहिए, प्रेजेंट टाइम में क्या हो, मौजूद हो। अगर हम कहेंगे कि भविष्य में मकान बनाएंगे उसका दान देंगे तो वह दान क्या होगा, शून्य होगा। कौन सी धारा के तहत 124, पहले याद रखिए, यानी कि इसको पढ़ना। अगला शब्द देखिए, वह अंतरण है तो संपत्ति का अंतरण, वह अंतरण है, शब्दों को पकड़िए। तो अंतरण के लिए कहाँ अंतरण की परिभाषा दी गई है, सेक्शन 5 में। वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है, यानी कि दान के पक्षकार आ जाइए, एक व्यक्ति द्वारा दान दिया जाता है तो जो दान देता है उसको डोनर या दान देने वाला या दाता। दूसरा देखिए, दूसरे व्यक्ति को जो आदाता कहलाता है, तो दूसरे व्यक्ति को जो क्या कहलाएगा, आदाता यानी कि डोनी यानी कि दान लेने वाला। तो दान के कितने पक्षकार हो गए, दो, एक तो दाता डोनर और दूसरा डोनी। जो दान देता है क्या कहा जाता है, डोनर, और जो लेता है दान डोनी। स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना, स्वेच्छा शब्द आ गया, स्वेच्छा दान हमेशा स्वेच्छा दिया जाता है। अब आइए मूल्य या प्रतिफल, या प्रतिफल लिया जाता है कि नहीं, तो प्रतिफल के बिना यानी कि प्रतिफल नहीं लिया जाता, यानी कि क्या बदले में कोई धन या संपत्ति ली जाती है कि नहीं, नहीं ली जाती। अगला देखिए, बिना किया गया हो और आदाता द्वारा या की ओर से प्रतिगृहित किया गया हो तो दान को कौन स्वीकार कर सकता है, या तो आदाता या आदाता की ओर से कोई अन्य व्यक्ति। भाई आदाता की ओर से कोई अन्य व्यक्ति। दान कैसे किया जाएगा इसका प्रावधान अगली, अभी बेरक समाज पूरा नहीं हुआ, पहले इतना देखिए। अभी प्रतिग्रहण कब करना होगा वही सतर्क रहना है। गलती आपका जो सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ाएंगे आपका, वहीं से लोग गलत करके आते हैं, दो बार हम उसको बताएंगे, लेकिन पहले दान की परिभाषा तो समझ लीजिए। सबसे पहले पक्षकार आ जाइए, संपत्ति उम्पत्ति ना देखिए, उसके बाद संपत्ति देखा जाएगा। सेक्शन कोरिलेट करते रहना है, तीन चार देख दो और सेक्शन हम बताएंगे, प्रतिफल पर भी स्वेच्छा पर भी, तमाम सेक्शनों को जोड़ा जाएगा। लेकिन एक फिर एक बार शुरुआत करिए, दान में दो पक्षकार होते हैं, जो व्यक्ति दान देता है उसे डोनर या दाता कहते हैं। तो तुरंत आपका, चूंकि दान भी संपत्ति का अंतरण है, तो तुरंत आपका सेक्शन 7 पर गौर करिए, दाता कौन हो सकता है जो संविदा करने में सक्षम हो और जिस संपत्ति का वह दान दे रहा है उस संपत्ति का हकदार हो या हकदार नहीं है, तो हकदार व्यक्ति द्वारा क्या हो, अथराइज, यानी कि नेमोडेट कोड नॉन हैबिट का सिद्धांत की धारा में है, सेक्शन 7 में है। कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम हक का ट्रांसफर, तो दाता के लिए बताइए क्या आवश्यक है, संविदा करने में सक्षम हो, दान देने वाली संपत्ति का स्वामी हो, अगर स्वामी नहीं है तो स्वामी द्वारा दान देने के लिए क्या हो, प्राधिकृत, तब दाता दान दे सकता है। आदाता
कोई आदाता पर आ जाइए। आदाता यानी कि दान ग्रहण करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो संपत्ति होल्ड करने में, संपत्ति स्वीकार करने में सक्षम हो। तो क्या अवयस्क दाता हो सकता है कि नहीं? नहीं, लेकिन आदाता हो सकता है, यानी कि दान दे नहीं सकता माइनर, लेकिन दान क्या कर सकता है, ले सकता है। अब बताइए, अगर कोई 5 वर्ष का बालक है, उसको दान दे रहे हैं, तो आपका लास्ट लाइन देखिए, या तो वह आदाता द्वारा स्वीकार किया गया हो या आदाता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा क्या किया गया हो, स्वीकार। तो 5 वर्षीय बच्चे को दान दिया गया, वह स्वीकार नहीं कर रहा है, उसका संरक्षक स्वीकार कर लिया। तो बताइए, संरक्षक बच्चे के लिए स्वीकार किया कि अपने लिए? बच्चे के लिए। लेकिन जो व्यक्ति दान बच्चे की ओर से स्वीकार कर रहा है, वह सक्षम होना चाहिए कि अक्षम स्वीकृति के लिए? सक्षम, वो भी अक्षम न हो। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपका अक्षम है? तो एक तो माइनर अक्षम है, क्योंकि आपका डायरेक्ट स्वीकार नहीं कर सकता, उसकी ओर से कौन करेगा? गार्जियन। दूसरा उदाहरण, दिवालिया अच्छे से तैयार रखेगा। अगर दिवालिया न तो दान दे सकता है, न ही दान ले सकता है, और न किसी बालक या पागल की ओर से दान को स्वीकार ही कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो संपत्ति होल्ड करने या संपत्ति देने में कानूनन सक्षम है कि नहीं? नहीं है। एक उदाहरण जरूर मिलता है कि कौन न तो दाता बन सकता है, न आदाता बन सकता है, न ही आदाता की ओर से संपत्ति को स्वीकार कर सकता है, तो वह है दिवालिया। याद रखिएगा, कौन है? फिर एक बार याद रखिए, जिसको दान दिया जा रहा है वह भी स्वीकार कर सकता है, जिसको दान दिया जा रहा है, हो सकता है वह न स्वीकार करके, लेकिन उसके लिए उसकी ओर से कौन स्वीकार कर सकता है? कोई अन्य व्यक्ति। लेकिन आदाता के लिए स्वीकार करेगा कि अपने के लिए? आदाता के। तो दो पक्षकार आपका निकल गए, आपका दाता और आदाता। अंतरण, दान एक अंतरण है, तो जब अंतरण है तो धारा 5 की शर्तों का क्या करना चाहिए? पूर्ति। अब आइए, अंतरण है तो किस संपत्ति का, किस संपत्ति का दान हो सकता है? पहले संपत्ति देख ली जाए। भाई स्पष्ट बेयर एक लिखता है कि दान चल संपत्ति का भी हो सकता है, अचल का भी हो सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा बना है कि दान किस संपत्ति का टीपीए के तहत होगा? चल का, अचल का, दोनों का? इनमें से कोई नहीं, दोनों मार कर आइए। अब इसी पर आपका फंसा देता है आईपीसी में। तो जितने संव्यवहार हैं, न हो तो एक जगह लिख लीजिए। अगर विक्रय पूछे टीपीए में तो केवल चल का, नहीं अचल, गलत हो गया, उसको सुधारा जाए। विक्रय पूछे तो केवल अचल मार कर आइए, चल न मार कर आ जाएगा। अगर आपका बंधक पूछे, जो पढ़ाएंगे हम 1-2 दिन में, तब भी केवल अचल। पट्टा पूछे तब भी केवल अचल। विनिमय पूछे तो चल अचल दोनों। आपका दान पूछे तो चल अचल दोनों। आपका इसके बाद जो पूछा जाता है वह आपका आईपीसी में बहुत पूछा जाता है। पिछली बार भी 2 क्वेश्चन आया था, जो हम बता रहे हैं जे में आया था। जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं उसी में जाकर पूछा गया था, चोरी किस संपत्ति की होगी? तो इतना लोग भ्रम जाते हैं वहाँ प्रेशर में, चल की हो सकती है, अचल की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो चोरी केवल चल की हो सकती है, यानी कि जंगम संपत्ति, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी की, अचल की नहीं हो सकती, याद रखिए। लेकिन एक्सटार्शन यानी कि जो उद्यापन है वह चल अचल दोनों का, लूट भी चल अचल दोनों की,
डकैती भी चल अचल दोनों की। फिर पूछ दिया पिछली बार आपराधिक दुर्विनियोग तो केवल और केवल चल संपत्ति का, लेकिन आपराधिक न्यास भंग पूछे तो दोनों का। छल भी दोनों का, चीटिंग भी किसकी? रिश्ते दे दे नुकसान तो चल अचल दोनों का। तो कौन कौन सा ऐसा अपराध है जो चल संपत्ति के विरुद्ध है? दो अपराध याद रखिएगा, चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग। तो ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, आपराधिक दुर्विनियोग से दो क्वेश्चन आया था, एक तो किसका होगा तो केवल चल संपत्ति का। फिर याद रखिए, कौन से अपराध हैं संपत्ति के विरुद्ध जो केवल चल के प्रति हो सकते हैं? तो एक तो चोरी है और दूसरा कौन सा अपराध है? आपराधिक दुर्विनियोग। भाई गलत ना हो किसी भी हाल में, मैं बता रहा हूँ आपका किसी भी हाल में ये गलतियाँ क्षम्य नहीं है, छोटी छोटी ना है तो कहिए चार बार मैं बताऊँ, लेकिन दिमाग में बैठा लीजिए ये सब गलतियाँ कंपटीशन से बिल्कुल बाहर कर देंगे, यानी कि लायक से क्या बना देगी? नालायक, अलायक बना देगी। और जैसे प्री से बाहर हुए फिर पता ना कब वैकेंसी आएगी, और आपका वादा तेरा वादा मौर्या जी, वादा क्या रह जाएगा? वादा किए ना वादा। देखिए अब आपके पार्टनर भी बैठे हैं, नहीं बताएंगे तो भाई गुप्त रूप से आपकी जासूसी करके पता क्या किया जाएगा, लगा ही लिया जाएगा। तो अच्छा यही होगा कि आप अपने मन मुख से वादा के बारे में क्या करिए बता दीजिए। तो बताइए धमकी है कि नहीं, उत्प्रेरणा धमकी का इसमें शब्द है कि नहीं? सर ने धमकी, अच्छा यही होगा कि तुम बता दो कि तुम अपराध किए हो, ये धमकी मानी गई है। पूछा गया क्वेश्चन भी जे में कि अगर ए बी से कहता है अभियुक्त से कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना अपराध क्या कर लो, स्वीकार कर लो, तो धारा 24 एविडेंस में क्या इसे धमकी माना जाएगा कि नहीं, थ्रेट माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा, शब्द ही बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, धमका रहे हैं। तो भाई चलिए अब स्वेच्छा से ही बता दीजिएगा, हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं। देखिए यार नहीं तो कहेंगे कि ये तो स्वतंत्र सम्मत नहीं थी, क्योंकि अभी स्वतंत्र सम्मत पर भी आना है। फिर एक बार देखिए, जो दान होगा चल का भी हो सकता है अचल का भी। अब समस्या ये आई कि टीपीए की धारा 3 में चल संपत्ति को तो परिभाषित ही नहीं किया गया है, केवल और केवल अचल को परिभाषित किया गया। ये भी एक भरमाऊ क्वेश्चन आता है कि टीपीए की धारा 3 में किस संपत्ति को परिभाषित किया गया है, चल अचल दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप दोनों ना मारिएगा, केवल किसको? अचल को। वो भी नकारात्मक कि अचल संपत्ति के अंतर्गत स्टैंडिंग टिम्बर यानी कि खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घासें नहीं आती। नहीं आती का मतलब ये हुआ कि खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घासें अचल नहीं है। तो जब अचल नहीं है तो उसके विपरीत एक ही तो संपत्ति बची, कौन सी? चल। तो खड़ा काष्ठ क्या है पूछ लिया था, चल। उगती फसलें टीपीए के लिए क्या है, चल। घास भी क्या है, चल, क्योंकि ये अचल से कहाँ जा रही है, बाहर। तो सतर्क रहना है। अब आइए तो महत्वपूर्ण आपका है आपका वर्तमान, चाहे चल संपत्ति का अंतरण करिए या अचल संपत्ति का अंतरण करिए, जो बेयर एक्ट में आपका दूसरा शब्द देखिए, दान किसी वर्तमान चल या अचल संपत्ति का वह अंतरण है, यानी कि जब भी आप दान करेंगे तो चाहे चल संपत्ति का करिए या अचल का करिए, आपका वह संपत्ति वर्तमान में अस्तित्व में होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान का मतलब ये हुआ कि उस संपत्ति को अस्तित्व में दान देते समय होना चाहिए। अब तुरंत एक धारा यहीं समाप्त कर देना है आपका, कोरिलेट करके 124 खूब पूछा जाता है, वर्तमान और भावी संपत्ति का दान याद करके जाइएगा। वर्तमान कई बार आया है क्वेश्चन कि वर्तमान और भावी संपत्ति का दान किस धारा में, 124 में। तो आइए आपका दान कराया जाए,
मान लीजिए ए के पास एक मकान है और एक मकान वह एक साल बाद बनवाएगा, तो ए कहता है कि मैं दोनों मकानों को, जो मकान वर्तमान में है, जो मकान एक साल में बाद बनवाऊंगा, इन दोनों मकानों को बी को दान करता हूँ, गिफ्ट करता हूँ। तो बताइए ऐसी कंडीशन में 122 तो कहती है कि संपत्ति क्या होनी चाहिए, भविष्यकालीन की वर्तमान में अस्तित्व में हो। तो 124 तुरंत दिमाग में बैठाइए, अगर एक ही दान किया गया है उसमें कुछ संपत्तियां विद्यमान हैं यानी कि वर्तमान हैं और कुछ कब आएंगी भविष्य में, तो क्या होगा? इसका निर्धारण सेक्शन 124 से होगा। वर्तमान संपत्ति का दान वैध होगा और भविष्यकालीन संपत्ति का दान क्या होगा? शून्य होगा। रट कर जाइएगा, भविष्यकालीन संपत्ति का दान शून्य होगा और वर्तमान संपत्ति का दान क्या होगा? वैध। खूब पूछा गया है, गलत न हो। कौन सा सेक्शन है? तो 124। अब तुरंत 125 भी देख लीजिए ताकि एक धारा और खत्म हो। मान लीजिए ए ने 5 लोगों को दान दिया, दान दिलवाइए, ऐसे कई व्यक्तियों का दान जिनमें से एक प्रतिगृहित ही नहीं करता, तो फिर एक बार 125 भी समाप्त कर दिया जाए। ए ने 1/3 हिस्सा बी को दान दिया, 1/3 हिस्सा सी को और 1/3 हिस्सा किसको? डी को। अब डी ने दान को स्वीकार ही नहीं किया, तो जो बी और सी को 1/3 1/3 हिस्से का दान दिया है ए ने, अब इस दान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह दान भी शून्य हो जाएगा कि केवल सी के पक्ष में किया गया दान शून्य होगा और इस उदाहरण में बी और सी के फेवर में किया गया दान वैध होगा? यही दिमाग आपको लगाना है। तो अगर कई व्यक्तियों को दान किया जा रहा है तो जो व्यक्ति दान को स्वीकार कर ले रहे हैं उनके फेवर में किया गया दान वैध और जो इनकार कर दे रहे हैं उनके फेवर में किया गया दान क्या हो जाएगा? शून्य, वैध। तो कौन सी धारा है? 125। भाई कोई समस्या हो तो बताइए, उदाहरण भी बताया गया बी सी और डी में। तो फिर एक बार देखिए, बेरेक समाप्त कर दिया जाए। ऐसे कई व्यक्तियों को दान जिनमें से एक प्रतिगृहित नहीं करता, तो ऐसे दो या अधिक दाताओं को किसी चीज का दान जिनमें से एक उसे स्वीकार नहीं करता उस हित के संबंध में शून्य है, जिसे यदि वह प्रतिगृहित करता तो वह लेता, यानी कि कितना हिस्सा स्वीकार करता तो इस उदाहरण में उसे मिलता कितना हित? 1/3। तो 1/3 वाला दान जो डी के फेवर में किया गया है वह शून्य होगा कि वैध होगा? इस उदाहरण में तो शून्य होगा। और बी सी वाला दान क्या होगा? तो जब शून्य होगा तो संपत्ति किसको वापस आ जाएगी? ए को। यही बात किस धारा में है? 125। फिर सेक्शन याद करिए, 122 में परिभाषा, 123 में अभी बताएंगे दान कैसे किया जाता है, 124 में वर्तमान और भावी दान, कई व्यक्तियों को दान कहाँ है? 125। अभी समाप्त नहीं हुआ दान आपका, कई धाराएं भले समाप्त हो गई हो लेकिन परिभाषा नहीं हुई। देखिए ध्यान से, आपका ये पॉइंट हो गया, ये हो गया अंतरण, दाता अदाता, अभी आपका 2 पॉइंट तो बचा है। पहले प्रतिफल 2 लाइन में निकाल लिया जाए। दान एक ऐसा संव्यवहार है जो मूल्य या प्रतिफल या कंसीडरेशन या कीमत के बिना भी वैध माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की धारा 25 में नियम यह है कि प्रतिफल जिस करार में न हो, जिस करार में कोई मूल्य न हो, वह करार शून्य होता है। लेकिन आपका धारा 25 में ही अपवाद दिया गया है, जहाँ कि दान के मामले में अपवाद है कि अगर दान में प्रतिफल न हो तब भी दान कानूनन क्या माना जाएगा? बस
तो प्रतिफल का अभाव होता है, फिर भी दान क्या माना जाता है। बस अब अगला क्वेश्चन आपका ये आया कि दान स्वेच्छा से दिया गया हो, अब इसके लिए संविदा अधिनियम की तमाम धाराएं देखनी है और इसी में जो केस पढ़ना है स्वेच्छा पर ही आधारित है आपका एलकर्ड बनाम स्किनर। तो फिर एक बार संविदा अधिनियम दोहराइए, सम्मति कहाँ परिभाषित की गई है 13 में, स्वतंत्र सम्मत कहाँ की गई है 14 में, दान के लिए सम्मत स्वतंत्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, स्वेच्छा मतलब स्वतंत्र, तो स्वतंत्र सम्मत कब मानी जाएगी, अगर वह सम्मत धारा 15 के तहत प्रपीड़न द्वारा न पाई गई हो, 16 के तहत सम्यक असर, 17 के तहत कपट, 18 के तहत मिथ्या व्यपदेशन और 20 21 22 में अगर मिस्टेक के उपबंधों के अधीन नहीं पाई गई है तो हम कहेंगे कि वह सम्मत स्वतंत्र है यानी कि दान स्वैच्छिक है। तो इसी में आ गया गुरु चेला, एक गुरु थे चेला की इच्छा को दबाए पूरा उसका घोड़ा फ्री में ले लिए, गुरु गया दौड़ा दौड़ा न्यायालय में और कहा कि मैंने चेला गया और कहा कि गुरु ने हमारी संपत्ति दान में ली है धारा 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस डालकर, अतः दान को रद्द किया जाए और हमारा घोड़ा क्या किया जाए वापस। तो अल्कर्ट बनाम स्किनर का केस स्वेच्छा या इसको दूसरी भाषा में फ्री कंसेंट पर आधारित, पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है 13 से लेकर कहाँ तक 22 तक फ्री कंसेंट में। इस प्रकार आपका ये भी हो गया। अब आइए अंतिम लाइन देखा जाए, प्रतिग्रहण कब करना होगा। तो एक बार फिर उदाहरण बनाया जाए तब तो प्रतिग्रहण कराया जाए। देखिए आपका प्रतिग्रहण या दान को स्वीकार कब करना होगा। ए ने कोई चल या अचल संपत्ति बी को दान में दी है तो बी को कब दान स्वीकार करना होगा, और अगर बी कब तक नहीं करता तो दान शून्य हो जाएगा। नए लोग यही गलती करते हैं भाई, दो बार मैं बताऊंगा, दो ही लाइन है लेकिन इतना टेक्निकल है कि नए लोग गलती करते हैं। यहाँ देखिए आपका ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो करना चाहिए। तो पहला नियम आया ए ने अपनी साइकिल का भी वही सम्मान किया जाए, अपनी साइकिल बी को दान में दी तो बी को कब तक ये दान स्वीकार कर लेना चाहिए ए के जीवन काल में, यानी कि ए जब तक क्या है जिंदा, केवल जिंदा ही नहीं और ए जब दान देने में क्या हो समर्थ। अब आप लोग बताइए ए ने अपनी साइकिल बी को दान में दी, बी अभी स्वीकार नहीं किया है यानी कि आपका तब तक ए मर गया, तो आप लोग बताइए क्या ये जो साइकिल दान में दी गई थी अब ये दान शून्य हो जाएगा कि वैध होगा, यानी कि आपका शून्य होगा कि वैध, और ए मान लीजिए पागल हो गया दिवालिया हो गया तब भी तो अक्षम हो गया, या तो ए मर जाए यानी कि ए के मरने के पहले आप स्वीकार कर लीजिए, या ए के दान देने में ए के अक्षम होने के पहले, तो ए कब अक्षम हो जाएगा, या तो अनसाउंड माइंड हो जाओ या दिवालिया हो जाए, तो अगर ए दिवालिया हो जाता है उसके बाद भी साइकिल को दान में स्वीकार करता है ये भी दान शून्य है, क्यों, क्योंकि बी को हर हाल में कब तक स्वीकार कर लेना है जब तक ए जिंदा है, या ए जब तक दान देने में क्या है समर्थ, मरने के बाद नहीं ए के असमर्थ होने के बाद क्या दान को स्वीकार किया जा सकता है कि नहीं, नहीं। अब आइए दूसरा नियम, यदि प्रतिग्रहण करने से पहले आदाता की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, यानी कि बी अब ए पर तो हो गया, बी पर अगर बी ने दान अभी स्वीकार नहीं किया है और तत्पश्चात बी की क्या हो गई मृत्यु, तो क्या बी के विधिक प्रतिनिधि सी द्वारा
दान स्वीकार किया जा सकता है कि नहीं, तो बताइए आप लोग। तो अगर दान एक्सेप्ट करने के पहले दोनी की मृत्यु हो जाती है तो क्या दान उसके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है कि नहीं? नहीं। और ऐसा दान क्या होगा? शून्य। तो तीन कंडीशन बना लीजिए, पहले दाता पर बनाइए। अगर तीन कंडीशन बनाइए, अगर दाता ने दान दिया तो दाता के मरने के पहले अगर दान दूसरा पक्षकार स्वीकार नहीं किया और इसी बीच दाता क्या हो गया, मर गया, तब भी दान वैध होगा कि शून्य? शून्य। अगर दाता ने दान दिया है, मरा नहीं है, लेकिन अक्षम हो गया है आपका, जैसे पागल हो गया, दिवालिया हो गया, उसके बाद आप दान स्वीकार कर रहे हैं, तो ये भी दान क्या होगा? शून्य। और अब स्वीकारकर्ता पर आ जाइए। जिस व्यक्ति को दान दिया गया है, यानी कि इस उदाहरण में कौन सा व्यक्ति है? बी। तो अगर बी स्वीकार करने से पहले ही क्या हो जाए, मर जाए, यानी कि आदाता की मृत्यु दान प्रतिग्रहण करने के पूर्व क्या होती है, हो जाती है, तो वह दान भी क्या होगा? सुन, लेकिन समस्या देखिए कैसे फंसाता है। एक समस्या, ए ने एक बालक सी को जो पाँच वर्ष, एक बालक बी को जो पाँच वर्षीय बालक है, दान दिया। बी की ओर से उसके गार्जियन सी ने उस दान को स्वीकार कर लिया। तो जैसे ही बी की ओर से उसके गार्जियन सी ने दान एक्सेप्ट कर लिया तो दान का संव्यवहार पूर्ण हो गया, अब दान शून्य नहीं होगा। भले बालक दूसरे दिन क्या हो, मर जाए, भले आपका दाता मर जाए, एक बार स्वीकार हो गया उसके बाद मरे, लेकिन ए ने एक पाँच वर्षीय बालक बी को दान दिया, बी का जो गार्जियन था अभी दान स्वीकार नहीं किया था, तब तक देने वाला मर जाता है, उसके बाद आप स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वह दान अब क्या हो जाएगा, सुन, या देने वाला पागल हो जाए या क्या हो जाए, दिवालिया। अब एक क्वेश्चन और, अगर ए ने एक पाँच वर्षीय बालक बी को दान दिया, अभी दान स्वीकार नहीं किया गया था, तब तक बालक मर गया, यानी कि आदाता मर गया, और आदाता के मरने के बाद उसके गार्जियन या पिता ने ए द्वारा दिया गया दान स्वीकार किया, तो निचली लाइन बताती है कि जब आदाता दान स्वीकार करने से पहले क्या हो, मर जाए, तो बताइए दान वैध होगा कि शून्य? हाँ, वैध होगा। निचली लाइन वही आपका, यही गलती। हाँ भाई, किसी को समस्या हो तो बताए। दो बार मैं बताया, उदाहरण देकर बताया तमाम एंगलों से, गलती यही होती है और इस गलती को सुधारना है। इतना उलझाऊ शब्द देगा, इस क्वेश्चन को जब भी करिए एकदम भाई लास्ट में भले करिए, दिमाग को क्या करके करिए, अस्थिर। मैं फिर बता दूं, ठीक है समझ में आ गया, लेकिन फिर भूल जाएगा बाहर निकलते ही, तो इसको अस्थिर होके करना है, एकदम दिमाग अस्थिर करके करिए। और समस्या भी तीन चार बताई गई। अब आइए 123 देखा जाए, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनता है कि अंतरण कैसे किया जाता है, तो दान का ढंग कहाँ दिया गया है, दान का तरीका कहाँ दिया गया है, ये सेक्शन पहले पूछा जाता है कि दान का मेथड कहाँ दिया गया है। तो 123 में देखिए अच्छे से, अचल संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए वह अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित होगा, कम से कम दो अनुप्रम साक्षी होंगे, अनुप्रमाणित साक्षी तो माने अटेस्टेड विटनेस, रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा करना होगा। इसका मतलब कि चाहे अचल संपत्ति का अगर दान दिया जाता है, चाहे कीमत 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 99 रुपया हो,
सौ रुपया हो, 2 करोड़ हो, दान अचल संपत्ति का है तो विक्रय वाला नियम न लागू करिएगा। दान में चाहे संपत्ति की कीमत कुछ भी क्यों न हो, दान जब भी होगा अचल संपत्ति का दान है तो पहले तो लिखित में होगा, दूसरा हस्ताक्षरित होगा, तीसरा कम से कम दो क्या रहेंगे गवाह, गवाह न कहेगा लीगल भाषा में अटेस्टेड विटनेस, अनुप्रमाणक साक्षी, आसान भाषा में दिमाग में बैठाइएगा गवाह, और रजिस्टर्ड होगा। यानी कि चार बातें याद रखिए, कौन कौन हमने बताया, अचल संपत्ति का दान कैसे होगा, लिखित में कि मौखिक, लिखित, हस्ताक्षरित होगा कि नहीं होगा, और इसके बाद गवाह होंगे कि नहीं दो, और रजिस्टर्ड कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, तब अचल संपत्ति का दान पूर्ण होगा। अब दूसरा, चल संपत्ति का क्या होगा, तो चल संपत्ति के दो तरीके हैं, या तो आप मौखिक दान दे दीजिए और मौखिक दान में संपत्ति का परिदान उस प्रकार करिए जैसे बेचा हुआ माल का क्या किया जाता है परिदान, या दूसरा तरीका रजिस्टर्ड का है, आप लिखित में कराइए, रजिस्टर्ड कराइए, गवाह लेकर कराइए, दोनों हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर आपका क्वेश्चन जो बनता है, देखिए भरमाव क्वेश्चन, ये एक व्यक्ति है जो 99 रुपये की अचल संपत्ति का दान बी को करता है, ये दान कैसे होगा, तो मौखिक होगा, लिखित हो सकता है, लिखित हस्ताक्षरित हो सकता है, लिखित हस्ताक्षरित पंजीकृत, और कम से कम दो गवाह होने चाहिए। बताइए क्या मार कराएंगे, सतर्क रहेगा, रकम पर ना जाइएगा अचल संपत्ति पर, अचल संपत्ति का जब भी दान होगा चाहे 99 रुपया रकम हो या 2 अरब हो या 2 रुपया हो, सदैव यही पॉइंट पकड़ना है टेक्निकल, सदैव लिखित में होगा, रजिस्ट्रीकृत होगा, हस्ताक्षरित होगा, और कम से कम कितने अनुप्रमाणक साक्षी, 2। लेकिन चल का कैसे होगा, कब्जे के परिदान द्वारा, मौखिक हो सकता है, तो फिर पूछ सकता है कि दान हो सकता है, तो हो सकता है मैंने दोनों पूछ रहा है, चल अचल, तो मौखिक भी और लिखित भी, लेकिन अचल का पूछे तो केवल लिखित, चल का पूछे तो मौखिक, यही आपका देखिए बेरक की भाषा। चल संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए अंतरण या तो पूर्वोक्त प्रकार से किया जाए या संपत्ति का परिधान करके किया जाए, दो तरीके हैं, लेकिन संपत्ति कैसी है, चल, और ऐसा परिधान उस प्रकार किया जाएगा जैसे बेचा हुआ माल का क्या किया जाता है परिधान। कोई भाई समस्या हो तो बताइए, क्योंकि 123 भी खूब पूछा जाता है, कि आपका समय भी हो गया, नहीं तो 126, 27, 28 तीन ही धारा, कल देखिए आपका ये धाराएं पढ़ाकर कल आपका चैप्टर एक्शनेबल क्लेम शुरू करते हैं, अब लास्ट में इधर से निपटा दिया जाए, अभी कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, मैंने कल आपका अगला चैप्टर एक्शनेबल क्लेम पढ़ाया जाएगा, ये तीन धाराएं पढ़ाने के बाद 126 से भी खूब क्वेश्चन बनता है, 127 से भी, 128 से, एक या दो क्वेश्चन इधर से बनते हैं फ्री में, भाई सतर्क रहिए, आसान क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपका टेक्निकल ही बनेंगे, तो रेस्ट लिए तो कांट